हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग क्लास 10th सीबीएसई का मैथ साइंस का सिलेबस शुरू करने वाले हैं। तो हम इसको अल्टरनेटिवली शुरू करेंगे, एक चैप्टर पहले साइंस का करेंगे, फिर उसके खत्म होने पे फिर मैथ्स का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज बात करते हैं क्लास 10th साइंस के पहले चैप्टर की, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, ठीक। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इट इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विच हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड कैन नॉट बी रिवर्स बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को इस तरीके से मिक्स करते हैं कि एक नया सब्सटेंस बने जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हों, वो जो सब्सटेंसेस हमने मिक्स करी है उनसे बिल्कुल अलग हो, और ये जो नया सब्सटेंस बना है इसको दोबारा से वापस उन सब्सटेंसेस में कन्वर्ट ना किया जा सके किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। तो ऐसे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक। तो एग्जांपल की बात करें तो पेपर तो जलाया होगा आप लोगों ने, तो पेपर आपने जलाया होगा, तो पेपर को जब हम जलाते हैं तो कंबशन होने के लिए एयर चाहिए होती है। तो एक सब्सटेंस एयर हो गया और एक सब्सटेंस का काम करेगा पेपर, और वो होगा किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, ठीक है। जब हम उसको लाइट करेंगे पेपर को तब जाके पेपर जलेगा। तो यहाँ पे दो तीन चीजें एक साथ कंबाइन होके कुछ नया बना रही है। अब जब वो पेपर जल जाता है तो वो टर्न होता है ऐश में और स्मोक में, तो कुछ नया बना जिसकी बिल्कुल प्रॉपर्टीज जो है वो पुराने वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग है, ठीक। और इस प्रोसेस को हम रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। एक बार अगर पेपर ऐश में टर्न हो गया और स्मोक में टर्न हो गया तो उनको हम वापस से पेपर में टर्न नहीं कर सकते, ठीक। तो अब बात करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ चेंजेस होते हैं, अगर वो चेंजेस हमें नोटिस हो रहे हैं किसी भी चीज में या किसी भी सब्सटेंस में तो हम ये कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो इसमें पहला चेंज है चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो अगर हमने दो चीजों को मिक्स किया एक साथ, या दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया या रिएक्ट करवाया एक साथ, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसके स्टेट में चेंज आ गया, ठीक है। जो वो दोनों कंबाइन हुए एक साथ और उसका स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है, जैसे वो लिक्विड स्टेट में है और वो फिर चेंज होकर सॉलिड में हो जाए या गैसेज में चेंज हो जाए, तो तब हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा है चेंज इन कलर, इसी टाइप से अगर उसको रिएक्ट करवाने पे उसके कलर में चेंज आ जाता है तो भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। इसी तरह से अगर उसके टेम्परेचर में चेंज आ जाए, हो सकता है दो चीजों को कंबाइन करने पे या रिएक्ट करवाने पे टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए, तो भी क्या होता है, ऐसी कंडीशन में केमिकल रिएक्शन होती है। तो अगला है एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो अगर दो सब्सटेंसेस को एक साथ रिएक्ट करवाने पे कोई गैस इवॉल्व हो जाती है उसके साथ, तो भी हम कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है। एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, जब हम पेपर को बर्न करते हैं तो वो ऐश में तो टर्न होता ही होता है, साथ में उसके साथ गैसेस भी निकलती हैं, ठीक है, जो धुआं हमें दिख रहा होता है तो वो भी साथ में निकलती है गैसेस उसमें। तो अगर गैसेस भी किसी चीज में रिलीज हो रही है साथ में तो भी हम कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक। तो जो अब हमारा लास्ट चेंज है उसकी बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो अगर जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब रिएक्ट करते हैं आपस में, तो अगर उसमें एक ऐसा सब्सटेंस बन जाए उनके कंबाइन होने से या रिएक्ट होने से जो हार्ड हो और इनसॉल्युबल हो उन दोनों सब्सटेंसेस के सॉल्यूशन में, तो हम कहेंगे कि तब भी एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड साइंस और सिंबल्स, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको देखें तो केमिकल इक्वेशन जो होती है वो जो केमिकल रिएक्शन हुई है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, वर्ड सिंबल्स और साइंस की फॉर्म में, जिससे हम ये दिखा सकें आसान सी लैंग्वेज में या आसान से सिंबल्स में, वर्ड्स में या साइंस में हम दिखा सकें कि कोई केमिकल रिएक्शन कैसे हुई है, उसमें किन किन चीजों ने पार्टिसिपेट किया और क्या नया बना उससे, ठीक। तो उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक।
तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम उसको वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम उसको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड की फॉर्म में मतलब हम उसे वर्ड्स में लिख के दिखाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन दिखाई है, तो मैग्नीशियम हमने पूरा पूरा वर्ड्स में लिखा है और ऑक्सीजन को भी पूरा पूरा वर्ड्स में लिखा है। इन दोनों के रिएक्ट होने पे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो जब भी दो चीजों को रिएक्ट करते हुए दिखाना है तो उनके बीच में प्लस का साइन लगेगा, और जो नई चीज बनी है उसको दिखाने के लिए उससे पहले बीच में एक एरो हम शो करेंगे। ठीक, तो जो हमारा लेफ्ट साइड में जो चीजें होती हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, जिनको हमने आपस में कंबाइन किया या रिएक्ट करवाया, और जो राइट साइड में जो नई चीज बन के हमें मिलती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, तो इसी टाइप से हम वर्ड इक्वेशन को सिंबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनके जो रिस्पेक्टिव सिंबल्स हैं वो यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम की जगह Mg लिख लिया, ऑक्सीजन की जगह O2 लिख लिया, और दोनों को रिएक्ट करके बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इस तरफ लिख लिया MgO। ठीक, वो लेफ्ट साइड में हो गया हमारे पास रिएक्टेंट, राइट साइड में हो गया हमारे पास प्रोडक्ट। ठीक, तो ये जो इस टाइप की हमें इक्वेशन मिलती है इसको हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो क्योंकि ये बेसिक इक्वेशन है, स्केलेटल का मतलब ऐसा समझो कि बेसिक इक्वेशन है, अभी ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, अभी इसको आगे जाके बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो जब भी हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को सिंबल्स की फॉर्म में लिखने के लिए एक बेसिक इक्वेशन लिखते हैं तो उस इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अ केमिकल इक्वेशन इन विच द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन इक्वेशन इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, सच इक्वेशन इज टर्म्ड एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें उसके लेफ्ट साइड में जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिनको कि हम रिएक्टेंट बोलते हैं, उनका मास अगर इक्वल हो जितने भी सब्सटेंसेस राइट साइड में जो नए बन के हमें मिले हैं जिनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं उनके मास के इक्वल हो, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। या फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं, अ केमिकल इक्वेशन इन विच एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल इन नंबर इज टर्म्ड एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमने दो टाइप से डिफाइन किया, एक तो उसके मास के अकॉर्डिंग और दूसरा उसके नंबर्स ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब दोनों का एक एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मान लो हमने दो सब्सटेंसेस को एक साथ रिएक्ट करवाया एक्स और वाई, और एक्स का लिया हमने 5 ग्राम्स और वाई का लिया 10 ग्राम्स। तो ये जो मास के हिसाब से हमने डिफाइन किया था उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो एक्स का लिया 5 ग्राम्स, वाई का लिया 10 ग्राम्स, तो इन दोनों को मिक्स करके बना एक्स वाई, तो उसका टोटल जो मास होगा वो इक्वल होगा इन दोनों के कंबाइन मास के। ठीक है, इसका 5 ग्राम्स और इसका 10 ग्राम्स कंबाइन होके हो गया 15 ग्राम्स, और ये जो एक्स वाई बना उसका भी जो मास है वो भी 15 ग्राम्स है। तो जो मास है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वो सेम रहेगा। ऐसे ही अब इसको जो एटम्स के हिसाब से हमने डिफाइन किया था उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। जिसे हमने कंसिडर किया कि हमने एक्स और वाई को एक साथ रिएक्ट करवाया, X के मान लो हमारे पास 10 एटम्स हैं और इसी टाइप से Y के हमारे पास 20 एटम्स हैं। ठीक, तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो इससे बना XY, तो उसके पास टोटल जो एटम है वो है 30, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी जो हमारे पास टोटल एटम्स हैं वो है 30, तो लेफ्ट साइड में भी सेम एटम्स हैं और राइट साइड में भी उतने ही एटम्स हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे अब एक क्वेश्चन बनता है कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत इसलिए होती है ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी चीज का मास ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो सिर्फ कंजर्व रहता है। ठीक है, तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, तो किसी भी चीज का मास को हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं, वो जो होगा वो कंजर्व्ड ही रहेगा। यानी हम दो चीजों को कंबाइन करें या चार चीजों को, तो उनमें चाहे कितने भी चेंजेस आ जाए उनकी प्रॉपर्टीज में, लेकिन जो टोटल मास होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है जो रिएक्टेंट वाले जो सब्सटेंसेस थे हमारे पास
उनका जो टोटल मास था और जो नया सब्सटेंस बना होगा उनका जो मास रहेगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये चीज को दिखाने के लिए हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास एक रिएक्शन है, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। तो इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन कॉलम्स बना लेंगे। एक में हम लिखेंगे एलिमेंट, एक में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एक में लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो एलिमेंट्स जहां हमने लिखा है वहां पे हम सारे जितने भी एलिमेंट्स इस रिएक्शन में प्रेजेंट हैं उन सब का नाम लिख लेंगे। और जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हमने कॉलम बनाया है वो हमने इन एलिमेंट्स के एटम्स दिखाने के लिए बनाया कि लेफ्ट साइड में इस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं और राइट साइड में इस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। ठीक, तो एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे Fe का लेफ्ट साइड में एक एटम है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉलम में लिख लिया हमने 1। ऐसे ही राइट हैंड साइड में इसके 3 एटम्स है तो यहाँ पे लिखा हमने 3। सिमिलरली हाइड्रोजन के जो है लेफ्ट साइड में 2 एटम्स है, राइट हैंड साइड में भी 2 एटम है। ऑक्सीजन के इसी टाइप से लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है और राइट साइड में इसके 4 एटम्स है। ठीक, अब इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इनको इक्वल करेंगे और जिस हिसाब से इनको यहाँ पे इक्वल करेंगे उसी हिसाब से इसको हम यहाँ पे भी इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि Fe के राइट साइड में 3 एटम्स है, इस तरफ सिर्फ एक ही एटम है, तो यहाँ हम अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके एटम इधर भी 3 हो जाएंगे। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड में भी हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Fe के जो एटम्स हैं वो सेम हो गए। अब अगर हम हाइड्रोजन के देखें तो हाइड्रोजन के तो पहले से सेम है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में तो एक ही एटम है, राइट साइड में 4 एटम्स। तो हम क्या करते हैं इसको लेफ्ट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये 4 से मल्टीप्लाई हो गए तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन के भी 4 एटम्स हो गए। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, हमने जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स लिखे उसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में 8 एटम्स हो गए। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स ना रह के ये 8 एटम्स हो गए इस तरफ। इसको राइट साइड में भी 8 करना पड़ेगा तो इसको राइट साइड में 8 करने के लिए हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन को इस तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम हाइड्रोजन के एटम देखें इस तरफ तो 4 2 8 इसके 8 एटम्स हो गए। इसी टाइप से हाइड्रोजन के इधर भी 4 2 8 एटम्स हो गए। तो अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो Fe के लेफ्ट हैंड साइड में 3 एटम्स, राइट हैंड साइड में भी 3 एटम्स, तो Fe बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में 8 एटम्स, ठीक है, और राइट साइड में भी 8 एटम्स, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के देखें तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड में भी इसके 4 एटम्स। ठीक है, तो सब जितने भी हमारे पास इसमें एलिमेंट थे उन सब के एटम्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक, तो जो बात यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये कि जितने भी हम ये नंबर्स ऐड कर रहे हैं वो इन एलिमेंट से पहले ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और जब भी ऐसा होगा कि कोई नंबर किसी कंपाउंड के आगे ऐड हुआ है तो वो नंबर दोनों के साथ काउंट होता है। जैसे यहाँ पे 4 ऐड किया हमने तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होगा और ये 4 ऑक्सीजन के साथ भी काउंट होगा। तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे सिर्फ, तो अब ये 4 से मल्टीप्लाई होके 8 एटम्स हो गए इसके। इसी टाइप से ये 4 ऑक्सीजन के एटम के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम था तो 4 से मल्टीप्लाई होके वो 4 एटम्स हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।